अभी क्या हुआ, तो अभी हम लोगों ने ना मतलब बाहर, अरे यार तुम चुप रहो, तो अभी हम लोगों ने मतलब बाहर जाके देखा एक सीरियस मतलब सो हे गाइस, हेलो एंड वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। और अभी फिलहाल पता क्या, मैं व्लॉग अभी हम जा रहे थे व्लॉग के उससे नहीं, व्लॉग के नीचे से नहीं जा रहे थे, अभी तो फिलहाल इसको डॉक्टर के पास दिखाने जाना है। देखो इसका दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखो इसकी चोट लग रखी है हाथ पे भी, और कहाँ है पाँव में भी चोट लगी है। ये देखो, और चोट क्यों लगी है मैं अभी बताता हूँ। ये देखो पैर वैर पूरे मतलब ये साइड पूरी डेंटेड एरिया है, लेफ्ट लेफ्ट वाला। तो अभी देखो आज इसका एग्ज़ाम था, एग्ज़ाम दे के आया तो हुई इसको दिक्कत एग्ज़ाम देने में, और अभी फ़िलहाल इसको डॉक्टर पे दिखाने जाना है। अभी एक डॉक्टर पे ले गए थे वहाँ पे दुर्गापुरी में, बट उन्होंने कहा कि बोला ये चोट बोला थोड़ा ज़्यादा स्वेलिंग आ गई है उसमें, तो अभी इसका एक्सरे करवाने ले जाना है। तो एक्सरे करवाने ले जाते हैं उन्होंने का, और फ़िलहाल बस चलते हैं, यही सोचा था। और ये इसके चोट कैसे लगी वो ये खुद ही बता देगा। चल बता चोट कैसे लगी। मैं साइकिल चला रहा था और स्टंट कर रहा था और गिर गया। स्टंट नहीं करा, स्टंट करा, थोड़ी स्पीड में थी साइकिल। हाँ। मैं रोक रहा था ना साइड में लगा रहा था, मैंने ब्रेक मारी, पीछे टायर उछला, मैं सीधा गिर गया, लेफ्ट तरफ हो गया, राइट सर। अच्छा लेफ्ट राइट हो गया है बिल्कुल। लेफ्ट राइट हो गया। तो अभी फिलहाल चल रहे बस, मेरे को तो लगा शायद ये स्टंट मारा था, इस वजह से गिरा, बट क्या कह सकते हैं, इसका भी सर थोड़ी मान सकता हूँ मैं भाई, कुछ नहीं कह सकते। तो अभी फिलहाल ये अमरूद खा रहा है, फिर उसके बाद चलते हैं, चल रेडी हो जा फटाफट। तो आज की एक और दिक्कत है जो कि अभी हमारा ये नहीं चल रहा है, वाईफाई नहीं चल रहा, और मैंने अंकल को कॉल करा था तो अंकल कॉल भी नहीं उठा रहे। वाईफाई पता नहीं भाई क्यों नहीं चल रहा है, मेरे को खुद समझ नहीं आया। और ये देखो बार बार नो कनेक्शन दिखा रहा है, और ये लोग यहाँ पे बैठे हुए थे और इनका स्कूल से आके मूड ख़राब हो चुका है। नहीं भाई तुम दिखाओ ना यार, तुम हो भाई, तुम क्यों घूम रहे हो भाई इसमें, तुम दिखा दो स्पाइडर मैन। ये देखो बार बार कट जा रहा कॉल, काफ़ी टाइम से आ रही है, अभी स्टार्ट नहीं हुई थी, इसको भी स्टार्ट करते हैं। चलो हो तो गई स्टार्ट यार, काफ़ी टाइम से नहीं हुई थी अभी। और ये है गाइस जिससे एक्सीडेंट हुआ है, ये एक्सीडेंटल व्हीकल जिससे एक्सीडेंट हुआ है। चोट वोट लगी है और दरवाज़ा खोल दिया, चल ठीक है। और वही इसी साइकिल से दो दिन पहले इशू को भी लगी। हाँ इसी साइकिल से दो दिन पहले इशू की भी लगी थी, और इशू को टेटनस का इंजेक्शन भी लगा। यार मैं तुम लोगों को बताना भूल गया यार, शिट भाई अपनी पब्लिक को तो सब कुछ बताना पड़ता है। चलो आओ बैठो, अभी अच्छा खासा तू स्कूटी चला रहा होता, बट सॉरी सॉरी बडी। अरे सूज गया, ये तो खुल गई, इससे कोई दिक्कत नहीं है, खुली भी ना होती फिर तो दिक्कत थी। एक्सरे टूटा होता तो और रोता रहता, रोता है क्या रात को, सोता नहीं हो बिल्कुल, नहीं हो रहा हल्का फुल्का तो रहेगा चोट का भाई, नहीं है ना वैसे भी दर्द हाथ उठाने में बंद कर। हाँ थोड़ा सूझ रखा, तो अभी इसकी दवाई तो ले ली है बस, अभी चल रहे हैं वो तो बता रहे हैं एक्सरे का। हाँ एक्सरे का तो मना हो गया यार, मैं तो पैसे लेके आ रहा था, बट एक्सरे का ऐसा हो गया कि बोला हाथ तो इसका टूटा है ही नहीं, बोला एक्सरे तो तब होगा ना, ये तो पूरा मुड़ रहा है इसका हाथ। हाँ वो नहीं कर पाता, तो अभी केमिस्ट अंकल ने भी बोला है, हम उनसे ही काफ़ी दवाइयाँ लेते, तो उन्होंने उनका मतलब उन्होंने यही सुझाव दिया कि भाई यार अभी देखो एक्सरे की तो कोई ज़रूरत है नहीं, क्योंकि टूटा होता तब होता एक्सरे, तो मतलब थोड़ा भी मतलब रहता कि अगर इसके दर्द वर्द हो रहा होता तब होता, बट इसके तो बिल्कुल भी दर्द नहीं है। और अपनी बिल्डिंग में थोड़ा पेंट वेंट चालू हो गया ठीक है, तो अभी पीछे बैक साइड में हाँ रेलिंग भी लग गई स्टील की, और पीछे पेंट वेंट चालू हो रखा है। यार मेरे बाल कब बढ़ेंगे मुझे ये टेंशन है, स्कूल खुल जाएंगे और मेरे बाल इतने छोटे रहेंगे तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी ना यार, तुम लोग खुद ही सोचो ऐसा कैसे चाहूँगा मैं। और वो मेरा ना गला भी ख़राब हो रखा है, मेरे को मेरे थ्रॉट में ना वो है डस्ट एलर्जी, तो अभी तुम्हें जैसी भी आवाज़ सुनाई दे रही है मेरी आवाज़ नहीं है किसी और की है। बंद कर इसको, वह बंद कर इसे, मेरा ब्लॉग क्यों नहीं चल रहा है, इस वी किसका ब्लॉग चल रहा है, हटाओ भाई मेरा ब्लॉग कैसे नहीं चल रहा है यहाँ पे। यार बताओ मैं ब्लॉग डाल रहा हूँ यार, तुम मेरे ब्लॉग नहीं देख रहे हो यार, मेरे ब्लॉग नहीं देख रहे हो यार। ये देखो ये तो डैंक बन सिग्मा चैट टू 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 लास्ट में क्यों, अबे मेरा ब्लॉग चलाओ यहाँ पे,
कोई बात नहीं, मेरा ब्लॉग, हाँ यार सौरभ जोशी फेमस हो जाएगा यार अगर मैंने उसको अपने ब्लॉग में ले लिया तो गाइस। पर वो सब छोड़ो, मुझे उस चीज की टेंशन ही नहीं है। नो हेट फॉर एनीबॉडी। कोई भी बीच में नहीं आएगा, ये लगता है ना सौरभ जोशी के चाचा ये। मैं इसलिए रुक रखा था क्योंकि मुझे बार बार छींक आ रही थी, तो मैं देख रहा था, मैंने कहा पहले छींक ही लूँ यार फिर ब्लॉग बनाऊंगा। तो अभी हम लोग चल रहे हैं यार गन्ने का जूस लेने के लिए, और गन्ने का जूस मैं और ईशू लेके आ रहे हैं। रौनक के तो लगी हुई है चोट, वरना हमेशा रौनक को ले जाता हूँ मैं अपना, और अभी तो उसकी चोट लगी हुई है, बट अभी ईशू को लेके चलते हैं हम लोग ना। अभी देखो ये जो ईशू के हाथ में है ना, इसमें लाने वाले हैं जूस, ठीक है। तो बस चलते हैं, हवा भी काफ़ी तेज़ चल रही है आज, और आज कह रखा था कि बारिश आएगी बट बारिश नहीं आई यार। अच्छा है बारिश ना ही है, हमने सारे मतलब हम लोग अब पंखा वंखा चलाने लग गए। भैया 10 ग्लास मांगे इसमें डाल देना। अभी आना दोबारा आना क्या? नहीं नहीं यहीं पे खड़ा हूँ मैं। ताज़ा बना के दे। ताज़ा, हाँ ताज़ा बना के दे दो। तो अभी आ गए, वो दे दिया गाइस, इसमें लेंगे हम, और बस अभी थोड़ी देर। भैया बस घर जाके खुलेगा बस, ठीक है। तो अभी भैया ने बना दिया भाई ताज़ा जूस एकदम, और ज़्यादा नहीं मतलब अब घर जाके सीधा खोलना ही है यार, सारे पियेंगे जूस। और अभी बस चलते हैं, अब तू पकड़ ले, अब तू कैमरा छोड़ दियो, अब तू कैमरा तो बंद कर दे, तभी कैमरा बंद कर देते हैं वरना गाइस ये वैसे ही छोटा सा गिरा देगा यार। गिर गया ना जूस? हाँ। दिखा नहीं गिरा ना, चल 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 घर, चल घर चल अब भाई। मेरी पीठ ठंडी हो गई यार ये जूस लगा लगा के। चलो अब इसे फटाफट खोलना है क्योंकि भैया ने बोला ज़्यादा देर रख नहीं सकते इसे ऐसे, और थोड़ा गाइस अब थोड़ा एनर्जेटिक ब्लॉग बनाएंगे, मतलब वैसे कह रहा हूँ मैं, ये पी के एनर्जेटिक नहीं मैं कह रहा हूँ वैसे कि मतलब अब थोड़ा अपने ब्लॉग में और एनर्जी लाएंगे, और बिल्कुल ऐसे खुल्ला बात करेंगे एकदम फेस टू कैमरा। जूस आ चुका है और सबको दे रहे हैं अभी, ये तो भाई पता नहीं ऐसे ही बैठा हुआ है, जाना लेके आ जा। और सबने ले लिया, टेस्ट करके बता तो कैसा हो रहा है। टेस्टी दे, जैसे मैं किसे बोल रहा हूँ अच्छा, सुन भी नहीं पाई, टेस्ट तो करने दे अच्छा। सही हो रहा है, बहुत बढ़िया, मस्त चिल्ड हो जा, तुम बजा दो अच्छा चिल्ड। हाँ थोड़ा थोड़ा कम चिल्ड है, मतलब ठीक है मीडियम है, और बाकी उन्होंने सब कुछ डाल रखा था, पुदीना वुदीना लेमन और वो काला नमक सब कुछ था, तो अच्छा हो रहा है। तो पहले पी लेते हैं फिर मिलते हैं। अभी क्या हुआ, तो अभी हम लोगों ने ना मतलब बाहर, अरे यार तुम चुप रहो, तो अभी हम लोगों ने मतलब बाहर जाके देखा एक सीरियस मतलब वो हो गया, तो अभी गाय ने ना स्क्रैच अभी मतलब ना गाड़ी पे ना अभी गाड़ी थोड़ा मतलब चेक करी थी पापा ने, तो अभी देखा जैसे कि हमारे लेफ्ट वाला है राइट वाला, लेफ्ट वाले पीछे वाले दरवाजे पे ना गाय ने पूरे स्क्रैच मारे हुए, पूरे गंद मतलब बहुत ही गंदी तरह से मारे हुए भाई, पूरा छील दिया गाड़ी। मैं भी दिखाता तुम लोगों को, तुम लोगों को मजाक लग रहा होगा भाई, हम मैं ना उस टाइम तो देखे नहीं, इतना क्लियर नहीं दिखा जब मैं सुबह इनको लेके आया था, बट अभी मैंने एकदम मतलब पापा और ने सही से देखी तो भाई देखो तुम लोग कितने गंदे स्क्रैच पड़े हैं, ये देख रहे हो स्क्रैच देख रहे हो गाड़ी के, देख रहे हो भाई इतने गंदे स्क्रैच मार हुए ना भाई, क्या बोल सकते हैं यार। अरे ये पता नहीं गाय ने मारे, किसने मारे पता नहीं है यार, क्या पता शायद गाय ने मारे हो, देख लो पूरा गंदी तरीके से स्क्रैच मारे हुए, ये साफ भी नहीं होंगे ये स्क्रैच देख रहे हो तुम, और ये इस वाले पे तो पूरा मारे हुए पूरे देख रहे हो भाई, इतने गंदी तरीके से मार रखे हैं यार। नहीं होंगे भाई ये साफ नहीं होंगे यार, क्या बोल सकते हैं अब यार, जिसने मारे गाय ने मारे होंगे शायद, जहाँ तक हमें लगता है क्योंकि गाय ने पिछली बार भी मार गई थी, तो यार अब क्या कह सकते हैं, गाय ने मार दिया बट यार ठीक नहीं है यार, वैसे भी खैर उसमें तो पहले से ही उस दरवाजे पे पहले से थोड़े बहुत पड़े हुए थे, बट उसने तो कुछ ज़्यादा ही कर दिया गाय ने तो यार, अब क्या कर सकते हैं, गाड़ी 24 घंटे बाहर ही खड़ी रहती है, ये वाली अंदर रहती है तो सेफ है भाई, तो वो वाली बाहर ही रहती है तो यार दिक्कत है, बट अब नहीं होगी दिक्कत क्योंकि जैसे शोरूम बन गया वहाँ पे,
तो अभी वहाँ उसकी पार्किंग में खड़ा कर देंगे गाड़ी को, तो तब जाके थोड़ी दिक्कत नहीं रहेगी, वरना अभी बाहर खड़ी रहेगी तो ऐसे तो गाड़ी वाड़ी कोई मतलब कोई भी स्क्रैच मार के चला जाएगा यार, कुछ नहीं पता लगेगा।